ओम शांति। आजकल मेजॉरिटी एक कंप्लेन करते हैं, मुझे चिंता बहुत होती है, हर बात की चिंता। कोई भी कार्य करना होता है ना तो बहुत टेंशन आता है, मैं अकेले कैसे करूं, मैं अकेला हूं, मेरे से ये सब हैंडल होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा, मैं असफल रहा तो लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे। मुझे बहुत चिंता होती है, मेरे पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं रहती है, मुझे उसकी चिंता। मेरे हाथ से मेरी माँ की सेवा अंत तक होनी चाहिए। बच्चा घर पे सेफली नहीं पहुंचा तो मैं जो काम कर रहा हूं और उसमें मुझे किसी का सहयोग नहीं मिलेगा तो सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो क्या किया मैंने, चिंता चिंता, फिक्र, सेल्फ में डाउट, अविश्वास। और जैसे चिंता फिक्र करते करते हम फिक्र के बादशाह बन जाते हैं, और जितनी अधिक चिंता करते जितना ज्यादा सोचते जाते, और वो भी सोचना व्यर्थ नेगेटिव, उसमें हम अपने समय को, शक्ति को, थॉट्स को व्यर्थ गवाते रहते। जिस काम के हम चिंता करते हैं ना, हम उसे बिगाड़ देते हैं। बच्चा एग्जाम ठीक से देगा या नहीं देगा, बच्ची ठीक से घर पहुंचेगी या नहीं, कितने सारे विचार रोज के जो सिर्फ चिंता करते हैं। मालूम है हम चिंता करते हैं तो क्या करते हैं, एक्चुअल में हम जिनकी चिंता करते हम उनके मार्ग में नेगेटिव एनर्जी भेज देते हैं। हम कई बार ये भी कहते हैं, मेरे हाथ से माँ की सेवा अंत तक होनी चाहिए। इनडायरेक्टली हम क्या मैसेज भेजते हैं, माना वो बीमार होंगे और हम उनकी सेवा करेंगे। स्टॉप स्टॉप दिस, सही सोचो, राइट सोचो। हर एक्शन के लिए, हर काम के लिए सही सोचना है, अपने हर रिश्ते के लिए सही सोचना है। राइट सोचो, सब राइट होगा। चिंता करेंगे, काम बिगड़ जाएगा। तो सबसे पहले हर कार्य करते एक स्मृति रहे, और वो स्मृति कौन सी, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, बस मन के अंदर बार बार एक मंत्र गूंजता रहे। बड़ा बाबा बैठा है, माना मेरा परमात्मा बैठा है, सब कुछ अच्छा होगा, अच्छे ते अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा। आपको जो कार्य करना है उसकी प्लानिंग करो, लेकिन कार्य शुरू करने के पहले से ही सोचना शुरू करो। बड़ा बाबा बैठा है, मेरा भगवान मेरे साथ है, तो मन की स्थिति निश्चिंत रहेगी। तो आप जो भी कार्य करेंगे ना, बड़ी एकाग्रता से करेंगे, सहजता से करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आए, कोई कठिनाई भी आई, तो आपको टचिंग होगी, क्या करना है, कहाँ से सपोर्ट लेना है, उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, और आपको सफलता मिलेगी। दूसरा, कई बार मन में ये थॉट चलता है ना, मैं ये कार्य करने में असफल रही तो, अरे सही सोचो ना, राइट सोचो ना। अब जितनी शक्ति डाउट पर, डर पर लगाते हो, उतनी ही शक्ति अब विश्वास पर लगा दो ना, तो चमत्कार हो जाएंगे।
सही सोचो, मैं इस कार्य को अच्छी तरह से पूरा अवश्य करूंगे, मेरा स्व पर पूर्ण विश्वास है। यस आई कैन डू इट, आई एम कैपेबल, आई नो हाउ टू हैंडल द वर्स्ट। कोई भी डिफिकल्टी आए मैं उस डिफिकल्टी को सॉल्व करूंगी, मेरा खुद में विश्वास है। यह सोचना शुरू करो। तीसरा थॉट, मेरी बच्ची घर सुरक्षित पहुंचेंगी या नहीं? नहीं, राइट सोचो, परमात्मा की छत्र छाया मेरे बच्चों के ऊपर है, वो सेफ है, वो घर सेफली पहुंच गई है। और एक थॉट, मेरे माँ की मेरे हाथ से सेवा हो। अच्छा थॉट है, लेकिन इससे बहुत अच्छा राइट थॉट सोचो, मेरी माँ की हेल्थ अंत तक ऐसी रहे जो सारे विश्व की सेवा अंत तक करती रहे, और मैं भी उसके साथ सारे विश्व की सेवा करता रहूं। माना सबकी दुआएं अंत तक मिलती रहेगी और अंत तक उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो मुझे सही सोचना है, सही सोचना, राइट सोचना, माना सही भविष्य का निर्माण करना। बस यही कहो, दिल से कहो, परमात्मा को कहो, अगर आप बेफिक्र रहना चाहते हैं, अगर आप सही सोचना चाहते हैं, तो रोज परमात्मा को कहो, हे परमात्मा, ये तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। और सचमुच ऐसा ही कहो, बस ट्रस्टी बन जाओ, तो आप चमत्कार देखोगे, बहुत चमत्कार आप देखोगे। तो आज से अपनी हर सोच पर ध्यान देना, सही सोच सही भाग्य, राइट सोच राइट भाग्य, आज से शुरू करते हैं। ओम शांति।